Hello everyone, welcome to Inspiration IES daily news analysis. Today is 24th June 2021 and we are going to discuss the important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationies.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IES has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online cum offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number or you can also register in our website. Inspiration IES has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number or even you can register in our website www.inspirationies.org. So let's start our today's daily news analysis. So, आज का हमारा पहला न्यूज है. रिसेंटली यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को इन डेंजर लिस्ट में, इन डेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डालने की बात की है. तो समझते हैं आखिर ये इन डेंजर लिस्ट होता क्या है और क्यों ग्रेट बैरियर रीफ को इन डेंजर लिस्ट में डाला जा रहा है. सो देखिए, न्यूज ये है. रिसेंटली द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट द ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ शुड बी एडेड टू अ लिस्ट ऑफ इन डेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. प्लेसमेंट अब ऑब्वियसली बात है, ये इन डेंजर लिस्ट में डालने के चलते अब होगा क्या. देखिए, आमतौर पे इन डेंजर लिस्ट डालने से ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसके ऊपर में कुछ सैंक्शंस वगैरह लगेंगे, बट बशर्ते ये होता है कि यूनेस्को विल पुट मोर कंसंट्रेशंस ऑन प्रोटेक्टिंग दोज रीजंस. सो प्लेसमेंट ऑन द इन डेंजर लिस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज सैंक्शंस, रादर सम नेशंस हैव देयर साइट्स एडेड टू गेन इंटरनेशनल अटेंशन एंड हेल्प टू सेव देम. तो कुछ स्टेट, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो जानबूझ के अपने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं इन डेंजर लिस्ट में डालवाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको प्रोडक्शन की जा सके. जबकि यूनेस्को ने अपने खुद से ही ये जो ग्रेट बैरियर रीफ के उसको ग्रेट बैरियर रीफ है उसको इन डेंजर लिस्ट में डालने की बात की है. देखिए, इस मूव के पीछे रीजन क्या है. आमतौर पर देखा यह जा रहा है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ग्रेट बैरियर रीफ में बहुत ज्यादा कोरल ब्लीचिंग हो रही है और ये लगभग 2015 से लेकर अब तक ये करीब 3 बार की कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है. आगे हम लोग देखेंगे ये कोरल ब्लीचिंग होता क्या है, बट इसके चलते ये पूरा जो इतना बड़ा जो लार्जेस्ट एवर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड जो फॉर्म्स है, ऑब्जेक्ट है जो स्पेस से भी दिखाई देता है, वो आज क्रिटिकली डेंजर्ड रीजन में है और इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है. इसीलिए यूनेस्को ने ये मूव किया है. इट वाज रिकमेंडेड टू ऐड टू द लिस्ट बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिस्पाइट रीफ 2050. देखिए, रीफ 2050 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ग्रेट बैरियर रीफ, बट इसके बावजूद भी कोरल आज ग्रेट बैरियर रीफ में कोरल ब्लीचिंग हो रही है. द कोरल रीफ इकोसिस्टम हैज सफर्ड 3 major ब्लीचिंग इवेंट्स सिंस 2015 ड्यू टू सीवियर मैरीन हीट वेव्स एंड द रीफ 2050 लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्लान इज द ऑस्ट्रेलियन एंड क्वींसलैंड गवर्नमेंट ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द ग्रेट बैरियर रीफ बाई 2050, जिसको लोग नाम दिए हैं रीफ 2050. अब दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन एंड क्वींसलैंड, दोनों गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, बट उसके बावजूद भी आज ग्रेट बैरियर रीफ में कहीं ना कहीं कोरल ब्लीचिंग हो रही है. व्हेन कोरल ब्लीचिंग जो अगर कहा जाए तो कोरल ब्लीचिंग उस समय होता है जब कोरल जो ये जो कोरल रीफ होते हैं उनको एडवर्स कंडीशन मिलता है जिसके चलते उनके रंग उतर जाते हैं और वो सफेद हो जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. तो व्हेन कोरल फेसेस स्ट्रेस बाय चेंजेस इन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स, दे एक्सपेल द सिम्बायोटिक एल्गी ज़ूज़ेंथले लिविंग इन देयर टिश्यूज कॉजिंग देम टू टर्न कंप्लीटली व्हाइट. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग. देखिए, आमतौर पर अगर कहा जाए तो कोरल जो होता है एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ज़ूज़ेंथले, ज़ू
जेंथले, और ये जो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग पॉलिप एंड मेडुसा बोलते हैं, जिसके चलते इसकी कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब आमतौर पर होता क्या है कि अगर कोरल जो होता है एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होता है, और ये कहीं ना कहीं ओशियंस या सीज के ये आइडियल कंडीशंस को बताते हैं कि सी कितना अच्छा कंडीशंस पे है और क्लाइमेट चेंज कितने वर्स्ट कंडीशन पे पहुंच रहे हैं। अगर क्लाइमेट चेंज के चलते सी या टेम्परेचर राइज होता है या सी के अंदर में न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स की कमी या अगर बढ़ोतरी होती है तो ये स्लाइटेस्ट चेंज को भी दर्शा सकता है ये कोरल। हेंस दे आर ए वेरी गुड इंडिकेटर अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर इकोसिस्टम। और अगर कंडीशंस खराब हैं तो ये कोरल क्या करते हैं, अपने कलर छोड़ देते हैं, जिसके चलते दे बिकम वाइट, एंड इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कोरल ब्लीचिंग। मैरीन हीट वेव्स इज एन इवेंट ऑफ एनोमलस वार्म सी सरफेस टेम्परेचर फ्रॉम सेवरल डेज टू ईयर्स। कभी कभी क्या होता है कि मैरीन हीट वेव्स होता है जिसके चलते ये समुद्र के टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका रिपरकेशन क्या हो सकता है अगर डेंजर डोन में डाल दिया तो आमतौर पे जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो गए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के खिलाफ, एंड इट प्रॉम्प्टेड इन्वायरमेंटल ग्रुप्स टू टेक एम्स एट द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स रिलक्टेंट टू टेक स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शंस। देखिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन प्लान नहीं अपना रही है, जिसके चलते इन्वायरमेंटलिस्ट है उनको उनके अंदर में थोड़ा गुस्सा है। ऑस्ट्रेलिया विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर पर कैपिटा हैज रिमेन्ड रिलक्टेंट टू कमिट टू स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शंस एंड हैज साइटेड जॉब्स एज अ मेजर रीजंस टू बैक द कंट्रीज फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की अपनी कंसेप्ट है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि उनको जॉब्स कट हो सकता है तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव फॉसिल फ्यूल पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एंड आपको इतना ही नहीं, वो 2015 से ही उन्होंने कभी अभी भी तक अपडेट नहीं किया अपना क्लाइमेट गोल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा निर्मित एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो आज स्पेस से भी दिखता है। कोरल ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ्स इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ ओवर 2900 इंडिविजुअल रीफ्स एंड ऑलमोस्ट अराउंड 900 आइलैंड्स। जो आपको ये पूरा जो आइलैंड रीजन दिख रहा है ये आमतौर पर 900 आइलैंड्स है और लगभग 2900 इसमें कोरल रीफ्स है। The reef is located at the Coral Sea, northeast coast off the coast of Queensland, Australia. तो Queensland, Australia जो है ये इसके ठीक इस रीजन में पड़ता है। It can be seen from outer space and it is the world's biggest single structures made by living organisms. तो ये living organisms द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा structure है। ये जो कोरल रीफ होती है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कोरल बेसिकली क्या होता है, ज़ूस एंड थैले का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि द रीफ स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ एंड बिल्ट बाय बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स नोन एज कोरल पॉलिप। दे आर मेड अप, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कोरल पॉलिप, एंड दे आर मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पॉलिप विच आर टाइनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स। एट देयर बेस इज ए हार्ड प्रोटेक्टिव लाइमस्टोन हार्ड प्रोटेक्टिव लाइमस्टोन स्केलेटन कॉल्ड सिलिकल विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरल रीफ्स, जो कोरल रीफ के स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस पॉलिप्स हैज माइक्रोस्कोपिक एल्गी, इसके ऊपर में एल्गीज का डिपोजिशन होता है और एल्गीज डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, इसके चलते कोरल के अलग अलग रंग होते हैं। ये जो एल्गी होते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड वगैरह ग्रो करते हैं, एंड ये फूड कहीं ना कहीं हेल्प करता है, यही फूड कहीं ना कहीं जो कोरल जो पॉलिप्स होता है वो यूज करता है। तो एक तरह का ये सिम्बायसिस सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है जिसमें एक तो होता है पॉलिप जिसको हम लोग ज़ूसेंथेले बोलते हैं एंड ये एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है। तो बोथ दिस पॉलिप एंड एल्गी यूज टू मिक्स टुगेदर एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोरल कोरल। द पॉलिप्स हैज माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड ज़ूसेंथेले लिविंग विथ देयर टिश्यूज। द कोरल्स एंड एल्गी हैव ए म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इट इज सेलेक्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। इसको 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। आगे समझते हैं, इस कोरल रीफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए, जैसे कि एक जो इनिशिएटिव है ए नंबर ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन टू एड्रेस द इश्यूज लाइक इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव्स। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया गया है एंड ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस भी बनाई गई है।
तो अगर ग्लोबल कोरल रीफ R&D एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो सिमिलरली द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया हैज इंक्लूडेड द स्टडीज ऑन कोरल रीफ अंडर द कोस्टल जोन स्टडीज इन इंडिया द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज अटेम्प्टिंग प्रोसेस टू रिस्टोर कोरल रीफ यूजिंग बायोरॉक्स एंड मिनरल एज एक्रिएशन टेक्नोलॉजी। देखिए इंडिया में भी इस कोरल रीफ को बचाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चालू किए हैं और ये इनिशिएटिव में आमतौर पर अगर जो कोरल रीफ हमारे इंडिया में भी बहुत सारे कोरल रीफ हैं जैसे लक्षद्वीप पूरी तरह से कोरल आइलैंड कोरल रीजन ही बना हुआ है और इस कोरल को बचाने के लिए जो कोरल जहां पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उन कोरल को फिर से रीग्रो कराने के लिए वी आर यूजिंग बायोरॉक टेक्नोलॉजी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट का यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोरल ओवर ए सरफेस। हम लोग किसी आयरन या स्टील फ्रेम को यूज करते हैं और इसको पानी के अंदर रख देते हैं और इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं जिसके चलते क्या होता है इसमें बहुत सारे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह ऐड हो जाते हैं जिसके चलते इट फॉर्म ए रेडीमेड बीज फॉर द कोरल फॉर्मेशन। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन कोरल रीफ इन द कंट्री। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा रहा है। सो दीज आर द इनिशिएटिव विच इज टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर कोरल रीफ्स। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है रिसेंटली आपने सुना होगा कि दो जजेस एक जो है अनिरुद्ध बोस और दूसरी इंदिरा बनर्जी ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है फ्रॉम हियरिंग द केसेस अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहे वो केस पोल वायलेंस से रिलेटेड हो या नारदा स्कैम। तो समझते हैं आखिर इन दो जजेस ने क्यों अपने आप को रिक्यूज कर लिया है हियरिंग से एंड व्हाट आर द रिपरकेशंस एंड व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग दिस रिक्यूजल्स। देखिए न्यूज ये है रिसेंटली टू सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव रिक्यूज्ड देमसेल्व्स फ्रॉम हियरिंग केसेस रिलेटिंग टू द वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो केसेस हैं चाहे वो पोस्ट पोल वायलेंस जो बहुत लोगों के ऊपर में अटैक जो हुआ था इलेक्शन के बाद चाहे नारदा स्कैम जो ममता बनर्जी और उनके कुछ लीडर्स फंसे हुए हैं इसके खिलाफ जो ये हियरिंग हो रही थी वहां से इन दो जजेस ने अपने नाम को हटा लिया है। रिक्यूजल्स का मतलब होता है इट इज द एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एन ऑफिशियल एक्शन सच एज द लीगल प्रोसीडिंग ड्यू टू ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल्स और द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। अगर किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो वहां से ये लोग अपना नाम हटा सकते हैं इसी को कहते हैं हम लोग रिक्यूजल्स। रीजंस ऑफ रिक्यूजल्स कैन बी एनी वेरियस टाइप्स ऑफ रीजन हो सकते हैं। कुछ कॉमन रीजंस अगर समझा जाए तो व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट a judge can withdraw from hearing a case to prevent creating a perception that he carried a bias while deciding the case। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जजेस अपना नाम इसलिए भी हटा लेते हैं कि लॉ ऑफ जस्टिस या रूल ऑफ लॉ कहता है कि ए जज cannot be a judge in his own cases। अगर कभी ऐसा conditions होती है जहां पर लगता है कि और जज का कोई कहीं ना कहीं इंटरेक्शंस या लिंक है उस केस से रिलेटेड तो उस केस से फॉर द फेयर ट्रायल उस केस से वो अपना नाम हटा लेते हैं। यहां पर भी यही मसला है। देखिए द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी नेम इन मेनी वे सच एज हैविंग ए प्रायर और पर्सनल एसोसिएशन विद अ पार्टी इन्वॉल्व इन द केसेस। अगर किसी जज का उस पार्टी से दोनों पार्टी से कोई ना कोई अगर लिंक रहा प्रीवियस लिंक उस समय भी हटा लिया जाता है। दूसरा अपीयर्ड फॉर वन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन ए केसेस या किसी एक पार्टीज के मतलब फॉर वो अगर जजेस अपीयर हो रहे हैं। एक्सपर्ट कम्युनिकेशंस विथ लॉयर्स और नॉन लॉयर्स एन अपील इज फाइल इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अ जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट दैट मे हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जज व्हेन ही वाज इन द हाई कोर्ट। जैसे एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि अगर सपोज करिए आज जो ये दो जजेस हैं ये पहले अगर ये जज होते हाई कोर्ट के और उन्होंने वो जजमेंट दिया होगा तो दिया होता अगेंस्ट में और फिर से वही केसेस उनको सुनना पड़ रहा होगा तो उस केसेस में भी वो अपना नाम हटा लेते हैं। इन ए मैटर ऑफ कंपनी इन विच ही होल्ड शेयर अनलेस ही हैज डिस्क्लोज्ड हिज इंटरेस्ट एंड देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू इट एंड द प्रैक्टिस स्टेम फ्रॉम द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट नोबडी कैन बी अ जज इन हर ओन केसेस। तो ये जो कार्डिनल प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्म्स है। Any interest or conflict of interest would be a ground to withdraw from a case since a judge has a duty to act fair। तो ये सबसे important चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन वो डर से या कुछ जो perceptions लग रहा है कि डर के चलते ममता बनर्जी या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के डर के चलते इन दोनों ने नाम हटाया, बट rather ये हो सकता है सिंस ये दोनों भी आते हैं वेस्ट बंगाल से
तो कहीं ना कहीं लोगों को ये ना लगे कि उनका लिंक्ड है, इसलिए इस केस में कहीं ना कहीं बायस जजमेंट हुई है, इसलिए वो लोग अपना नाम हटा दिए। नेक्स्ट, इस डिसीजन से क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, द डिसीजन टू रिक्यूज जनरली कम्स फ्रॉम द जजेस हिमसेल्फ। जज खुद बोलते हैं कि ठीक है, हम इस केस से हटना चाहते हैं। एज इट रेस्ट ऑन द कंसाइंस एंड डिस्क्रिशन ऑफ द जज टू डिस्क्लोज एनी पोटेंशियल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सम जजेस ओरली कन्वे टू द लॉयर्स इन्वॉल्व इन द केसेस देयर रीजंस फॉर रिक्यूजल्स मे डू नॉट, और कुछ नहीं बता भी सकते हैं। सम एक्सप्लेन द रीजन इन देयर ऑर्डर। इन सम सर्कमस्टेंसेस लॉयर्स और पार्टीज इन द केस ब्रिंग इट अप बिफोर द जज, एंड वंस अ रिक्वेस्ट इज मेड फॉर रिक्यूजल्स द डिसीजन टू रिक्यूज और नॉट रेस्ट विद द जजेस। तो ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिक्यूज करेगा या नहीं करेगा। वेल, देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर जजेस हैज रिक्यूज्ड इवन इफ दे डू नॉट सी ए कंफ्लिक्ट, बट ओनली बिकॉज सच एन अप्रिहेंशन was cast. There have also been several cases where judges has refused to withdraw from a case. तो देखिए, कोई एक thumb rule नहीं है कि लोग judges recuse करेंगे ही, but आम तौर पे कभी कभी करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। And if a judge recuses, the case is listed before the chief justice for allotment to a fresh case. अगर fresh bench, अगर कोई कोई judges recuse करता है, तो फिर chief justice के पास वो case चला जाता है, और वो फिर fresh bench को वो case allot कर देते हैं। नेक्स्ट, रूल्स फॉर रिक्यूजल्स। आमतौर पे किसी तरह का फॉर्मल कोई रूल्स नहीं है गवर्निंग रिक्यूजल्स, ऑल्दो सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैज डेल्ट विद द इश्यूज। जैसे कि एक केस था रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टेस्ट ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ बायस इज द रीजनेबलनेस ऑफ द अप्रिहेंशन इन द माइंड ऑफ द पार्टी। तो कभी कभी होता है कि लिंक वगैरह होता है या लाइकलीहुड होता है कि बायसनेस हो सकता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। एंड द जज नीड्स टू लुक एट द माइंड and the judge need to look at the mind of the party before him and decide that he is biased or not. तो ये भी जज देख सकता है। ऑब्वियस बात है, कंसर्न इसमें होता है क्योंकि इससे जजमेंट डिलीट होती है। एक तो अंडरमाइनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, इससे लगता है कि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट नहीं है क्या। दूसरा, इट अलाउज लिटिगेंट टू चेरी पिक ए बेंच ऑफ देयर चॉइसेस विच इम्पेयर जुडिशियल फेयरनेस। लिटिगेंट्स को कहीं ये भी हो सकता है कि नहीं, हमारा वो जज ये नहीं है, दूसरा जज होना चाहिए, तो ये भी हो सकता है। एंड ऑल्सो द पर्पस ऑफ रिक्यूजल इन दिस केस अंडरमाइंस बोथ इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी ऑफ द जजेस। तो कभी कभी क्या होता है कि जजेस के इंडिपेंडेंस और इम्पार्शलिटी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है इस तरह के रिक्यूजल्स के चलते। सो वट एवर बी द केस इज, बट दो जजेस ने अपने आप को इस केस से रिक्यूज कर लिया। खैर, ये केस दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलते हैं आगे, इसमें कुछ और भी है जैसे कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। अब ये रिक्यूजल्स का लोग अलग अलग मायने निकाल लेते हैं, जैसे कि एज देयर आर नो रूल्स टू डिटरमाइन वेदर द जजेस कुड रिक्यूज देमसेल्फ इन दिस केसेस, देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम सिचुएशन। जैसे कि एक तो डिले होता है, डिले ऑफ द प्रोसेस। सम रिक्वेस्ट फॉर रिक्यूजल्स आर मेड विद द इंटेंट टू इंटिमिडेट द कोर्ट और नॉट टू गेट और टू गेट बेटर ऑफ एन इनकन्वीनियंट जज और टू ऑब्फुस्केट द इश्यूज or the cause obstructions and delay the proceedings or in any other way frustrate or obstruct the cause of justice. तो कभी कभी ये जानबूझ के भी किया जाता है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे कि रिक्यूजल शुड नॉट बी यूज एज अ टूल टू मैनूवर जस्टिस। ये एक तरह का टूल नहीं यूज होना चाहिए। एंड एज अ मीन्स टू पिक बेंचेस ऑफ ए पार्टी चॉइस एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट टू इवेट जुडिशियल वर्क, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, द जुडिशियल ऑफिसर मस्ट रेजिस्ट ऑल मैनर ऑफ प्रेशर्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट कम्स फ्रॉम, एंड इफ दे डिविएट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वुड बी अंडरमाइंड एंड इन टर्न द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो जुडिशरी जो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टर होता है, उसको इस तरह की चीजों के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। Therefore, a rule that determines the procedure for recusals on part of judges should be made at the earliest. तो इसके लिए एक rules बनाना जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं सही तरीका हो सकता है, सही ways हो सकता है recusals का। So, this is about the recusal of the judges. चलिए अपने अगले news पे चलते हैं। हमारा अगला news है, recently IMD ने कहा है कि they are going to install 7 new Doppler radars in Maharashtra itself. तो क्या है ये, समझते हैं डॉपलर रडार क्या होता है और क्यों ऐसी क्या आन पड़ी। सो न्यूज ये है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अनाउंस दैट इट विल इंस्टॉल 7 न्यू डॉपलर रडार। डॉपलर रडार अगर समझा जाए तो डॉपलर वही सही समझा आप लोगों ने, डॉपलर इफेक्ट जो आपने क्लास 6 या 7 के फिजिक्स में पढ़ा होगा, विच डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एंड वेवलेंथ। बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट का कोई दूर जा रहा है या पास आ रहा है।
समझते हैं डॉपलर इफेक्ट, अगर नहीं समझा होगा तो इसको डिटेल में। तो आगे बढ़ते हैं। इन जनवरी 2021 द यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस कमीशंस टू ऑफ द 10 इंडिजिनियसली बिल्ट एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार्स टू क्लोजली मॉनिटर द वेदर चेंजेस ओवर द हिमालय। तो 2021 में ही जनवरी में ही दो आपके रडार लगे थे एक्स बैंड, बट फिर से IMD ने कहा कि 7 और लगाएंगे वो लोग। अगर समझा जाए डॉपलर के बारे में, तो डॉपलर रडार ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी, इनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी होते हैं, जैसे कि एस बैंड हो सकता है, सी बैंड हो सकता है, एक्स बैंड हो सकता है, आर कॉमनली यूज्ड बाय द IMD टू डिटेक्ट एंड ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम। देखिए ये वेदर सिस्टम के मूवमेंट को समझा जाता है इस डॉपलर रडार से। बेसिकली क्लाउड के बैंड्स कहाँ पर है, रेनफॉल कितना होगा, ये कुछ मालूम करने के लिए, कहीं थंडरस्टॉर्म आ रहा है कि नहीं, साइक्लोन के बारे में, तो ये सब चीजें ये लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ओवर इट्स कवरेज एरियाज ऑफ ओवर 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक के रेंज होते हैं इनके। 4 एक्स बैंड एंड 1 सी बैंड रडार वुड बी डिप्लॉयड ओवर मुंबई, जबकि रत्नागिरी को सी बैंड रडार मिलेगा और वेन गुरला को अराउंड एक्स बैंड रडार मिलेगा। एंड सबका अलग अलग पर्पस होगा, यानी कि सब एक ही काम के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है ये लगाने का, देखिए इस तरह का डॉपलर रडार होता है, ऐसा नहीं कि ये गोल कुछ है, इसके अंदर वही वो इस तरह का छतरी वाला रडार होता है जो वेवलेंथ सेंड करता है। तो दे विल गाइड मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिस्ट पर्टिकुलरली इन टाइम्स टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक साइक्लोन्स एंड एसोसिएटेड हैवी रेनफॉल। एज द रडार ऑब्जर्वेशन विल बी अपडेटेड एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट्स में ये अपडेट करेंगे। फोरकास्टर विल बी एबल टू फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ वेदर सिस्टम एज वेल एज देयर वेरिंग इंटेंसिटीज एंड अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट वेदर इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट। देखिए डॉपलर रडार का कुछ ये रहा वर्किंग्स। तो डॉपलर रडार आमतौर पर देखा जाए, सपोज करिए ये कोई क्लाउड है और यहां से वो डॉपलर रडार अपना वेव रेडियो वेव सेंड करता है। ये रेडियो वेव सपोज करिए अगर ये क्लाउड है दूर जा रहा है, तो ये जो वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ होगा वो टकरा के जो इसके पास आएगा वो धीमा होगा, मतलब स्लो होगा, क्योंकि दूर जा रहा है तो इसको आने में टाइम लगेगा और ये स्लो हो जाएगा। तो इससे मालूम चलेगा कि क्लाउड दूर भाग रहा है, जबकि अगर क्लाउड पास आ रहा होगा तो ये और फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। आप कुछ वैसा ही समझिए कि अगर कोई ट्रेन या कोई बस या कोई कार एक रास्ते में चल रही है, बहुत तेज से हॉर्न बजाते हुए आ रही है, तो यहाँ जो पर्सन खड़ा है अगर उसके तरफ वो कार आ रही है तो उसको ये बहुत ही तेज आवाज सुनाई देगा। वही कार अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इस तरफ जा रही है और वो हॉर्न बजा रही है, तो इस बंदे को ये जो आवाज होगी धीमे सुनाई देगी और धीमे धीमे स्लो होती जाएगी। इट मीन्स ये होता है कि कोई चीज अगर आपके तरफ आ रही है आवाज करते हुए, तो उससे जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो टकरा के आपके तरफ आएगी वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से आएगा, जबकि वो दूर जाएगा तो स्लो हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट है आपके डॉपलर इफेक्ट का। तो अगर ये हाई पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल्स होंगे, रेनड्रॉप्स या स्नोफ्लेक्स, तो उसके ऊपर में ये रेडियो वेव्स टकराएंगे और टकरा के वापस इस रडार में आके कैच होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये क्लाउड अगर इधर आ रहा है तो ये हाई होगा, हायर होगा, जबकि ये दूर जा रहा है तो ये लोअर होगा। बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिटर्न फ्रीक्वेंसी रडार कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन 3-डायमेंशनल विंड डिस्ट्रीब्यूशंस इन प्रेसिपिटेशन एरियाज। तो ये 3-डायमेंशनल आपको विंड डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा सकता है, इवन वो रेनफॉल या क्लाउड कितना दूर है और कितने तेजी से इधर आ रहा है वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, इस सेगमेंट को हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रडार्स बेसिकली, जैसे आपको मालूम होगा, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एंड लीडार काफी लेजर आपको मालूम होगा, या जिसको हम लोग लीडार बोलते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसको लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोला जाता है, जबकि रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इट इज अ डिवाइस विच यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द माइक्रोवेव रीजंस टू डिटेक्ट लोकेशंस, रेंज एंड डायरेक्शंस, एल्टीट्यूड, इंटेंसिटी एंड मूवमेंट ऑफ मूविंग एंड नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। डॉपलर रडार, इट इज ए स्पेशलाइज्ड रडार दैट यूजेस द डॉपलर इफेक्ट टू प्रोड्यूस वेलोसिटी डाटा बेस्ड डाटा अबाउट ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस। डॉपलर इफेक्ट जो होता है, व्हेन अ सोर्स एंड द सिग्नल्स आर इन रिलेटिव मोशंस, रिलेटिव मोशन माने ऑपोजिट जा रहा है कि सेम डायरेक्शन में आ रहा है, मोशंस टू ईच अदर, देयर इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, इफ दे आर मूविंग क्लोजर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा।
नेक्स्ट इट डज दिस बाय बाउंसिंग ए माइक्रोवेव सिग्नल. ऑब्वियसली बात है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये बाउंस होकर जा रहा है और ये स्लो हो रहा है. तो इट डज दिस बाय बाउंसिंग ए माइक्रोवेव सिग्नल्स ऑफ ए डिजायर टारगेट्स एंड एनालाइजिंग हाउ द ऑब्जेक्ट्स मोशन हैज चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिटर्न सिग्नल्स. दिस वेरिएशन गिव्स डायरेक्ट एंड हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ द रेडियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए टारगेटेड वेलोसिटी रिलेटेड टू द रडार. डॉपलर वेदर रडार के बारे में अगर समझा जाए तो इट इज बेस्ड ऑन डॉपलर प्रिंसिपल. द रडार इज डिजाइन टू इम्प्रूव प्रिसीजन इन लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड सर्वेलेंस यूजिंग ए पैराबोलिक डिश. पैराबोलिक डिश होता है एंटीना एंड ए फोम सैंडविच स्फेरिकल रेडोम. ये डोम जो होता है ये फोम से भरा पड़ा रहता है. डॉपलर वेदर रडार हैज द इक्विपमेंट्स टू मेजर रेनफॉल इंटेंसिटी विंड शीयर्स एंड वेलोसिटी एंड लोकेट ए स्टॉर्म सेंटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द टोर्नेडो और गस्ट फॉर्म. तो ये मेजर कर सकता है. इसके अलग अलग टाइप होते हैं डिपेंडिंग अपन किस वेवलेंथ पे काम करता है. तो कह सकते हैं कि डॉपलर रडार कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ. जैसे कि एल हो सकता है, एस बैंड हो सकता है, सी बैंड, एक्स बैंड एंड के बैंड. तो एक्स बैंड जो कॉमन है, एक्स बैंड जो है इट ऑपरेट्स एट ऑन ए वेवलेंथ ऑफ 2.5 टू 4 सेंटीमीटर और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़. बिकॉज ऑफ द स्मॉलर, क्योंकि इसका वेवलेंथ स्मॉल होता है, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर वेवलेंथ द एक्स बैंड रडार इज मोर सेंसिटिव एंड कैन डिटेक्ट स्मॉलर पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है. तो ये बहुत ही सेंसिटिव होता है. इट इज यूज टू डिटेक्ट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग. ये थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग को डिटेक्ट करता है. नेक्स्ट सी बैंड जो होता है उसका जो वेवलेंथ होता है 4 टू 8 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली बात है 4 से 8 हर्ट्ज का होता है. बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी द डिश साइज डज नॉट नीड टू बी वेरी लार्ज. छोटा हो सकता है डिश साइज एंड द सिग्नल इज मोर इजिली एटेन्यूएटेड. सो दिस टाइप ऑफ रडार इज बेस्ट यूज टू शॉर्ट रेंज वेदर ऑब्जर्वेशन. तो शॉर्ट रेंज अगर वेदर ऑब्जर्वेशन करनी हो तो आपको सी बैंड काफी अच्छा होता है. एंड इट गाइड्स एट द टाइम ऑफ साइक्लोन ट्रैकिंग. साइक्लोन ट्रैकिंग में काफी अच्छा हेल्प कर सकता है. अगर एस बैंड की बात किया जाए तो इट ऑपरेट्स एट ए वेवलेंथ ऑफ 8 टू 15 सेंटीमीटर. 8 से 15 सेंटीमीटर तक काम कर सकता है और फ्रीक्वेंसी जो होती है 2 टू 4 हर्ट्ज़. एंड बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एस बैंड रडार आर नॉट इजिली एटेन्यूएटेड. ये इजिली एटेन्यूएट नहीं किया जा सकता है एंड दिस मेक देम यूजफुल फॉर नियर एंड फार रेंजिंग रेंज वेदर ऑब्जर्वेशन. तो नजदीक या दूर तक ये वेदर ऑब्जर्वेशन को डिटेक्ट कर सकता है. सो ये कुछ रहा टाइप्स ऑफ रडार. होप आपको समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है. उन्होंने कहा है कि जो भी आज नए प्रोजेक्ट जो होंगे नेशनल हाईवे के, या अगर उसका जो रिपेयर या कुछ भी हो रहा है, उसका एरियल सर्वे या जिसको हम लोग ड्रोन सर्वे कहते हैं, वो कराना मैंडेटरी होगा. और वो सारा डेटा और वीडियो जो डाटा लेक होगा NHAI का, जिसको डेवलप किया गया है, वहाँ पर अपलोड करना होगा ताकि पल पल की जानकारी मिलती रहे कि नेशनल हाईवे कहाँ तक डेवलप किया गया और कितना अच्छा है. देखिए इसके बहुत सारे यूज हो सकते हैं ताकि गवर्नमेंट को एक ऑलरेडी रेडी इंफॉर्मेशन मिले कि कौन कौन सा नेशनल हाईवे का स्ट्रिप अच्छा है एंड दोज नेशनल हाईवे कैन बी यूज फॉर द लैंडिंग ऑफ आवर फाइटर एयरक्राफ्ट आल्सो. तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है रीजंस, ताकि हमारा नेशनल हाईवे की हेल्थ कैसी है वो देखा जा सके. न्यूज पर समझते हैं पहले. द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज मेड अस यूज ऑफ ड्रोन मैंडेटरी फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सारे चीजें. एंड दिस वीडियोस विल बी सेव्ड ऑन NHAI पोर्टल डाटा लेक टू असेस द प्रोग्रेस मेड इन द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है. इट विल इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, यूनिफॉर्मिटी एंड लेवरेज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. NHAI ऑफिशियल्स कैन यूज द वीडियो ड्यूरिंग द फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेक द डिस्क्रिपेंसीज एंड रेक्टिफिकेशन मेड ऑन द अर्लियर ऑब्जर्वेशंस. सिंस दिस वीडियोस विल बी परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द डाटा लेक, दे कैन ऑल्सो बी यूज एज एविडेंस ड्यूरिंग द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस बिफोर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स. ऑल्सो द मैंडेटरी डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क सर्वे vehicles to carry out road condition survey on the national highway will enhance the overall quality of the highway. NSV या जिसको network survey vehicles बोलते हैं, uses the latest survey technique such as high resolutions digital cameras for 360 degree imageries, laser road profilometers and other latest technology for measurements of distress in road surfaces. तो ये काफी अच्छा use latest technology का to get the physical conditions or health of our national highway.
एनएचआईए पोर्टल डाटा लेक की अगर बात की जाए तो एनएचआई हैज गॉन फुल्ली डिजिटल विद द लॉन्च ऑफ क्लाउड बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स, बिग डाटा डाटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. ऑल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशंस, कॉन्ट्रेक्चुअल डिसीजंस एंड अप्रूवल्स आर नाउ डन थ्रू द पोर्टल ओनली. हर पोर्टल्स, हर चीज पोर्टल से ही होगा. एंड डाटा लेक सॉफ्टवेयर फोरकास्ट द डिलेज लाइक डिस्प्यूट एंड गिविंग एडवांस अलर्ट. एडवांस अलर्ट भी दे सकेगा कॉन्ट्रैक्टर्स को. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इसका. द डाटा लेक विल ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंज टू एनएचआई विच विथ बेनिफिट्स लाइक नो डिले, क्विक डिसीजन मेकिंग, नो क्वेश्चन ऑफ मिसिंग रिकॉर्ड्स, वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम. इट विल इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एज ऑल ऑफिसर्स एंड स्टेक होल्डर्स कनेक्ट विद द प्रोजेक्ट कैन सी वॉट इज गोइंग ऑन ए रियल टाइम बेसिस. ये अच्छा है, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा यूज है इसका. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन कैरिंग आउट ऑडिट्स बाय द सीनियर ऑफिसर्स एंड अदर एक्सटर्नल एजेंसीज. तो अगर कोई अदर एक्सटर्नल एजेंसीज है वो भी इस चीज को देख सकेगी. नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अगर बात किया जाए तो इट वॉज सेट अप अंडर एनएचआई एक्ट 1988 एंड इट हैज बीन इंटरेस्टेड विद द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद अदर माइनर प्रोजेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट. NSTP is a project to upgrade, rehabilitate and widen major highways in India to a higher standards. And the project was started in 1998. NHI maintains national highway networks to global standard and in a cost effective manner, thus promoting economic well-being and quality of life of the people. So, ये कुछ National Highway Authority of India का motto है. So, that's all about the daily news analysis. At the end, हमारा one line. सबसे पहला वन लाइनर जो है इसमें इबोला वायरस के लिए रिलेटेड न्यूज है. रिसेंटली WHO ने डिक्लेयर कर दिया है कि इबोला जो आउटब्रेक था, जो स्टार्ट हुआ था फरवरी 2021 में गिनिया में, इज नाउ ओवर. वो अभी खत्म हो चुका है और उसको हटा मान लिया गया कि वो ओवर हो चुका है. एंड दिस द फर्स्ट आप कह सकते हो फर्स्ट डेडली वेव इन 2013 एंड 16. एंड द इबोला आउटब्रेक किल्ड 11,300 पीपल mostly in Guinea, Sierra Leone and Liberia. And the WHO in its list of 10 threat of global health in 2019 also included Ebola. Usko in Ebola ko include kiya tha. Theek hai, aage badhte hain. India US PASEX exercise. Indian naval ships will join maritime patrol and other aircraft to participate in a PASEX passage exercise or PASEX with the US Navy Ronald Reagan's carrier strike groups during its transit through Indian Ocean regions. So, ye ek exercise hoga India aur US ke beech mein. Kabhi kabhi ye question pucha jata hai. Next, recently fourth tiger reserve Rajasthan mein declare kiya gaya aur isko jo Ramgarh Vishwadhari Wildlife Sanctuary receive a nod for the National Tiger Conservation Authority Technical Committee to become the fourth tiger reserve of Rajasthan. तो राजस्थान में आज चार टाइगर रिजर्व हो गए और इसको मिला के कुल इंडिया में 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हो गए. नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर. रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने पहली बार अपना फर्स्ट या दुनिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट किया है. न्यूज ये है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट डेवलप्ड बाय रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज प्लांटेड इन असम. तो ये न्यूज था. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट में. तब तक के लिए शुक्रिया एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स.